हेलो फ्रेंड्स, डायनेमिक्स के आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, वो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल्स। तो इस टॉपिक पर एग्जाम में 3 या 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ नोटेशंस को एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं, क्योंकि उन नोटेशंस पर ही हमारे एमसीक्यू डिपेंड है। तो एक बार उन नोटेशंस को हम बड़ी जल्दी समझते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कोई पार्टिकल है जिसका मास एम है। मान लेते हैं पार्टिकल का नाम पी है, जो पार्टिकल का नाम है वो पी है। तो ओ ये जो पॉइंट है, ये ओरिजिन है, और ओरिजिन को हम और से डिनोट करते हैं। तो ओरिजिन से इस पी पार्टिकल को फेंका गया है, और डायनेमिक्स में हम जिस पार्टिकल को किस वेलोसिटी से फेंका जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो पी प्रोजेक्टाइल को ओ ओरिजिन से किसी वेलोसिटी से फेंका गया है, और वेलोसिटी को भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि जिस वेलोसिटी से पी पार्टिकल को फेंका गया है या प्रोजेक्ट किया गया है वो वेलोसिटी यू है। तो यहां से जब इस ओ पॉइंट से पी पार्टिकल को फेंका जाएगा तो जो वेलोसिटी है, क्योंकि जो पार्टिकल जो भी पाथ फॉलो करेगा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहां से अगर इस पी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है तो जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है। तो उस वेलोसिटी के लिए नोटेशन हमने यूज की है फ्रेंड्स यू। और जिस एंगल से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है उस एंगल को हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फा। तो फ्रेंड्स, हमने इस पूरे के पूरे डिस्कशन में अज्यूम किया है कि पी पार्टिकल है, उसका मास एम है, उसे यू इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, और जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है वो एंगल है अल्फा। तो फ्रेंड्स, जो पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। जिस एंगल से पी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ये एंगल अल्फा ना तो 0 डिग्री के इक्वल होना चाहिए और ना ही अल्फा 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में लाई करनी चाहिए, और इस डायरेक्शन को ही हम डायनेमिक्स में ओब्लिक डायरेक्शन बोलते हैं, कि जो पार्टिकल जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए उस पार्टिकल की डायरेक्शन ओब्लिक डायरेक्शन होनी चाहिए। और ओब्लिक डायरेक्शन का मतलब है फ्रेंड्स, जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में लाई करता हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने अब इन नोटेशंस को अच्छे से समझ लिया है। अब हम इस टॉपिक पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, काफी इजी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। द पाथ ट्रेस्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, कि जो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, वो पाथ होता है फ्रेंड्स ट्रेजेक्ट्री। उस पाथ को हम डायनेमिक्स से बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज, कि जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है ओब्लिक डायरेक्शन में तो पार्टिकल जिस पाथ को डिस्क्राइब करेगा वो पाथ की शेप कैसी होगी। और इसको हम प्रोजेक्टाइल के चैप्टर में बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। जब पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये जो पाथ डिस्क्राइब करेगा फ्रेंड्स वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, कि जो पाथ डिस्क्राइब करेगा प्रोजेक्टाइल वो पाथ होगा पैराबोलिक। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, कि जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी। जैसा कि अभी अभी हमने इसे प्रीवियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में समझा कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा, और पैराबोलिक पाथ की हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं। पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल की पावर 2 होती है और दूसरे वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो पहले तो हम इस पॉइंट
पॉइंट को माइंड में रख के कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर वाई जो वेरिएबल है उसकी पावर भी 2 है और एक्स वेरिएबल की पावर भी 2 है, तो ये तो पैराबोलिक पाथ नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर वाई की पावर 1 है लेकिन एक्स की पावर 2 है, अभी तो ये एक पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है फ्रेंड्स, वो इक्वेशन है ऑप्शन सी, y is equal to x tangent alpha minus 1 by 2 gx square u square cos square alpha। जैसा कि हमने अभी अभी वीडियो को स्टार्टिंग में डिस्कस किया, जो u होता है वो पार्टिकल की स्टार्टिंग की प्रोजेक्टेड वेलोसिटी होती है, अल्फा है पार्टिकल का जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, तो इन नोटेशन को हमने इसी वजह से डिस्कस किया था। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, वह है ऑप्शन सी। अगर आप इस इक्वेशन की डेरिवेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर डायनेमिक्स की वीडियो में इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल, देन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। कि अगर किसी पार्टिकल को 49 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए और जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हो 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो वाई कोऑर्डिनेट किसी टाइम पर क्या होगा, जबकि उस पार्टिकल का उस टाइम पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो फ्रेंड से एक्स नोट। तो जैसा कि अभी अपने इससे प्रीवियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में समझा कि जो पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है वो फ्रेंड से ऑप्शन सी, तो हम इस ऑप्शन सी में ही इन वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसा कि जो इनिशियल वेलोसिटी है u है 49 मीटर पर सेकंड, यहां पर हम u को 49 मीटर पर सेकंड पुट करेंगे और अल्फा को हम पुट करेंगे 45 डिग्री और x को हम पुट करेंगे x नोट, तो जो y ऑब्टेन होगा इसी फार्मूले का हमें यूज करना है। जैसा कि टेंजेंट 45 फ्रेंड्स वो होगा 1, cos 45 होगा 1 बाय रूट 2, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और cos स्क्वायर अल्फा है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप अब इस फार्मूले के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज। इस पूरे के पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम एक बार डायग्राम से समझते हैं। जैसा कि ओ ओरिजिन से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, तो पार्टिकल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी अपनी डिस्टेंस को चेंज कर रहा है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी डिस्टेंस को चेंज कर रहा है, जैसे कि हाइट को भी गेन कर रहा है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसे हम बड़ी इजीली समझ सकते हैं। जैसा कि इस ओ पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है और यहां पर जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है वो u है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी होगी फ्रेंड्स वो होगी u cos अल्फा, बड़ी इजीली, क्योंकि इस वेक्टर को जो हम एक्स एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करेंगे तो जो कंपोनेंट होगा फ्रेंड्स वो होगा u cos अल्फा। तो हर टाइम पर पार्टिकल का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वो हमेशा u cos अल्फा ही रहेगा, और इसको हम नोटेशन में यूज करते हैं dx by dt, dx by dt होगा फ्रेंड्स u cos अल्फा। अगर एग्जाम में पार्टिकल की प्रोजेक्टेड वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस पूछ लिया जाए तो उसकी नोटेशन होगी डी वाई बाई डी टी, और वो होता है फ्रेंड यू साइन अल्फा माइनस जी टी। इसको भी हम एक बार इजिली समझ सकते हैं, जैसा कि इस वेक्टर का जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग होता है वो होगा यू साइन अल्फा, लेकिन जब यह पार्टिकल इस पाथ पर मूव कर रहा होगा तो किसी पॉइंट पर इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो केवल फोर्स इस पार्टिकल के वेट की वजह से अप्लाई हो रही होगी, और वेट की डायरेक्शन जैसे कि नीचे की तरफ होगी, और जो फोर्स होगी ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो होगी mg। तो ये कंपोनेंट भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में उसके अंदर ये फोर्स इफेक्ट डालेगी, इसी वजह से यहां पर डी वाई बाई डी टी यू साइन अल्फा के इक्वल नहीं आता। यहां पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वाई एक्सिस के पैरेलल वो होगा फ्रेंड्स यू साइन अल्फा माइनस जी टी। तो हमें इन फार्मूलों को भी माइंड में जरूर रखना है।
अब हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज यू कोस अल्फा। इस पर डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए, जैसे कि इसे प्रीवियस वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था 49 मीटर पर सेकंड और अल्फा दे दिया जाए, और हमसे डायरेक्ट पूछा जाए कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट एनी टाइम टी, तो हमें यू और अल्फा की वहां पर वैल्यूज को पुट करना होगा। और वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा फ्रेंड्स, वो होगा यू साइन अल्फा माइनस जी टी। तो हमें इन फार्मूलों को माइंड में जरूर रखना है। तो डायनेमिक्स के आज के इस वीडियो में हमने कुछ इजी क्वेश्चंस को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू।